हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मी अंकिता. तो मैंने ये लुक रिक्रिएट किया है जो कि आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सगाई में गई थी. मैंने इंस्टा पे फोटो डाली थी एंड आई हैव गॉट लाइक सो मैनी डीएम्स कि मैं उसमें अच्छी दिख रही हूँ. ऑनेस्टली मैंने इतना कोई क्लोजअप नहीं डाला था अबाउट द मेकअप. इट वॉज ऑल अबाउट द ड्रेस आई फील, क्योंकि ये ड्रेस जो है ये इतनी ग्रैंड है और थोड़ी मतलब अच्छी है, बहुत अच्छा कलर है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए आप लोग ने बट वो पूरा लुक अप्रिशिएट किया था. एंड आई गॉट 5-6 डीएम्स की मैं वो लुक दिखा दूं, लाइक मैंने क्या मेकअप किया एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो मेकअप आपको रिक्रिएट करके दिखाती हूँ. सो दिस वाज द मेकअप, स्वीट सिंपल. कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था, उसका सिचुएशन उस दिन बहुत ही डिफरेंट थी. मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगी, बट दिस इज़ द होल. और अगर आपको भी अच्छा लगा है ये लुक तो लेट्स सी कि मैंने कैसे किया है. ओके, तो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था गाइस ये प्रोफेशनल प्राइमर बाय बेनिफिट, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पोर्स वोर्स का है और इसलिए मैं नहीं चाहती थी मुझे ज़्यादा स्वेट वेट आए. तो ये मैंने सिर्फ अपने टी जोन एरिया में अप्लाई किया था. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस लुक को इतना अप्रिशिएट किया. बट एक्चुअली मैंने उसमें कोई क्लोजअप पिक्चर भी नहीं खींची थी एंड जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लर कर रहा है, सो दैट्स द थिंग जो कि हमें चाहिए. और मैं इसको सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा मेन सेंटर ऑफ द फेस में ही करूँगी. तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और कोई क्लोजअप पिक्चर नहीं थी, एक फुल पिक्चर थी जो मैंने डाली थी और उसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया. थैंक यू सो मच. आई थिंक मेरे उस लुक का पूरा क्रेडिट जो है वो सिर्फ उस ड्रेस को ही जाता है. और बट क्योंकि मुझे इंस्टा पे मैसेज आए थे, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे टू बी ऑनेस्ट, पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर आप फॉलो कर लें. तो मुझे फिर भी 5-6 मैसेज आए, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं 5-6 लोगों के लिए मैं वो लुक रिक्रिएट करूं, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कर पाई थी. दो आई वांटेड टू डू अ गेट रेडी विद मी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे पार्टी में भी जाना था क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था. सो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक कैमरा टाइप की सिचुएशन में बैठूं, मेकअप करके दिखाऊं. सो इट वॉज़ रियली क्विक एंड फास्ट, और क्योंकि मुझे पार्टी में भी जाना था, मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई थी, तो इट वॉज़ लाइक जल्दी जल्दी. सो दैट वॉज़ द थिंग. तो ये मैंने पहले प्राइमर लगाया है. अब जितने देर में ये सेट हो गया है, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये दो फाउंडेशन जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बिनेशन है. दिस इज़ द लॉरियल इनफॉलेबल प्रो मैट इन 108 एंड दिस इज़ द मेबलिन फिट मी इन 330. सो दीज आर द टू फाउंडेशन. सो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, पीछे मैंने मिक्स किया है, और फिर मैं इसको लगाऊंगी जस्ट डॉटिंग इट ऑल ओवर द फेस. उस दिन मैंने बाल भी अपने थोड़े से आयन से और स्ट्रेट किए थे क्योंकि मैंने अपनी जो रीबॉन्डिंग है वो कराई थी इन द मंथ ऑफ मार्च, और वो काफ़ी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, काफ़ी मेरे बाल नॉर्मल हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से बाल ज़रूर स्ट्रेट किए थे जो कि मैं आज शायद नहीं कर पाऊँगी. वैसे मैं कोशिश करूँगी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊँ एंड तक. अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर. फॉर कंसीलर उस दिन मैंने यूज़ किया था ये पैक का टेक कवर कंसीलर इन द शेड हनी ड्रॉप. ये एक नया कंसीलर है बाय पैक और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जस्ट टू ब्राइटन अप. और इसको भी अब मैं ब्लेंड कर लूंगी विद द स्पंज. तो
गाइज दिस इज डन. अब मैं इसको सेट करूंगी. फॉर सेटिंग आई हैव दिस अमेजिंग पाउडर बाय शुगर. दिस इज द शुगर ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर. मेरे पास इसका ट्रांसलूसेंट पाउडर भी है जो कि ख़त्म हो गया एक्चुअली, और वो मैं यूज़ करके आप लोग को दिखाऊंगी. तो इससे मैंने किया था बेक जितनी देर में मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दैट अंडर आईज टू बी रियली ब्राइट. बाकी मैं नॉर्मली पैट कर रही हूँ. ये स्पंज बहुत ही कंफर्टेबल है. मैं इसका फुल रिव्यू करने वाली हूँ आई थिंक नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो यही होने वाला है. सो मेक श्योर आप वो वीडियो भी चेक करें. सो मैंने हर जगह पाउडर कर लिया है और अब मैं करने वाली हूँ अपना आई मेकअप. और उसके लिए मैंने यूज़ किया था ये दो पैलेट्स का. ये है नायका का पीच सॉर्बेट पैलेट और ये है मेबलिन का क्वाड, जिसका नाम अभी सब मिट गया है क्योंकि ये बहुत पुराना है. दिस इज़ द मेबलिन कलर सेंसेशनल क्वाड इन टोपेज गोल्ड और ये काफ़ी पुराना क्वाड है मेरा, तो मैंने ये यूज़ किया था. मैंने आई मेकअप बहुत सिंपल किया था. इनफैक्ट मैंने कोई ब्रश का यूज़ भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट. मैं बस ऐसे 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 जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे जल्दी थी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी फंक्शन के लिए, क्योंकि मुझे घर में भी देखना था इसलिए. तो मैंने किया ये था कि मैंने ये वाला कलर लिया था, ये जो लाइट कलर है, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है वो एक सटल कलर की थी तो मैं थोड़ा सा कलर इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने ये यूज़ किया था, बट वेरी लिटिल, ज़्यादा नहीं करना था मुझे, जस्ट टू गेट दैट क्रीज कलर. और वही मैं अभी कर रही हूँ. ये बहुत ही लाइट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आँखों में ऑरेंज ऑरेंज ही दिखे और मेरी पूरी ड्रेस सटल हो, तो मैंने थोड़ा सा कलर ही लगाया था. अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड कर लीजिए. जब ये आपका ब्लेंड हो जाए फिर मैंने लिया था ये वाला कलर, जो कि ये आपको कॉपर टाइप का कलर दिख रहा होगा ये वाला, एंड ये मैंने पूरा आईलिड्स पे लगा लिया था. अब फिर मैंने यूज़ किया था ये क्वाड. इस क्वाड से मैंने ये जो आपको लाइट कलर दिख रहा होगा, थोड़ा हाइलाइटर टाइप का कलर, वो मैंने यूज़ किया था ऑन माय सेंटर्स. और मतलब बस इतना ही है. तो ये आपको एक थोड़ा शिमरी ग्लिटरी इफेक्ट दे देता है. And that's it. This was my whole eye makeup. Like literally, नीचे मैंने use किया था coal and the eyebrow powder. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे. तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी eyebrows को fill. सो गाइज माई आईब्रोज आर डन. और मैंने ये किया था कि मैंने इसका ये जो डार्क शेड है इसको मैंने यूज किया था ऑन द बॉटम ऑफ माई आईज लाइक दिस. सो गाइज दैट्स इट. और अब मैंने लगाया था एक नॉर्मल आईलाइनर, तो वो ये था नायका का जेल आईलाइनर, मैंने वही लगाया था, तो वही मैं अभी यूज करने वाली.
होंगे. सो द आई लाइनर इज डन, अब मैं दूसरी आंख में भी कंप्लीट कर लेती हूँ. सो गाइस मेरा आई लाइनर कम्प्लीट हो गया है, अब मैं इसी आई लाइनर से अपनी बॉटम लाइन फिल भी कर रही हूँ. दिस इज डन, अब मैं अपना पूरा बेक हटा दूंगी. अब हम यूज करेंगे फाइनली मेरा फेवरेट पैलेट, ऑल टाइम फेवरेट पैलेट शुगर का, जो कि मैंने उस दिन भी यूज किया था. गाइस इसी हाइलाइटर को लेके मैं हाइलाइट करूंगी इनर कॉर्नर्स पे. तो मस्कारा के लिए मैंने यूज किया था लैश वॉरियर मस्कारा, माय ऑल टाइम फेवरेट. So now the mascara is done और अब मैं यूज करने वाली हूँ लिपस्टिक, जो कि मैंने उस दिन यूज करी थी. सो मैंने ये दो लिपस्टिक यूज करी थी गाइज, जिसमें से ये है रुकमणी फ्रॉम द नायका मैट टू लास्ट कलेक्शन. और इसको टॉप किया था मैंने विद दिस, दिस इज द शाय स्टाइल इन द शेड कशिश. सो दिस वॉज इट, और अब मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक. सो गाइज दिस वॉज माई फाइनल लुक, और उस दिन भी मैंने इयर रिंग्स यही वाली पहनी थी. मुझे लग रहा था अगर मैं और हैवी इयर रिंग पहन लूंगी तो मे बी वो ओवर द टॉप ना लगे, इसलिए. सो दिस वॉज द होल लुक, जो कि आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया. और मुझे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आए दैट यू लव दैट लुक, तो थैंक यू सो मच. इसमें एक चीज मिसिंग है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ. एक्चुअली उस दिन मैंने शेड ब्लू हेवन का रेड कलर का भी यूज किया था ऑन माय लिप्स, बट वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, सॉरी फॉर दैट. नहीं तो ये थोड़ा रेडिश और होता. एंड दिस इज द होल लुक, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी जो आप लोगों ने देखी थी उस दिन भी, थोड़ी एक्स्ट्रा और दिखा दूंगी इन केस आपको फाइनल देखना हो तो. बट दिस इज द फाइनल लुक, एंड आई थिंक द क्रेडिट ऑफ होल लुक गोज टू द ड्रेस, क्योंकि वो ड्रेस इतनी ओवर द टॉप और इतनी अच्छी है ये ड्रेस कि मतलब मेरे मेकअप का कुछ काम ही नहीं आया. और मैंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली नहीं किया था, लिटरली मैंने अभी ये वीडियो बनाया है बैठ के, पूरा मेकअप आपको दिखाया, बट उस दिन आई वाज रेडी इन लाइक 10 मिनट्स. सो गाइस अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर देना, क्योंकि ऑप्शन है तो इसलिए. और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा. मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन दिस इज मी अंकिता सिंह, गुड बाय, टाटा.